और देखिए उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। अगले दो दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए मौसम को लेकर के मौसम विभाग ने चेताया है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर चेतावनी दी है और अगले दो दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। धारचूला में चीन सीमा से सटे गांव छागरू के पास भोली नाम के बुग्याल में मंगलवार को ग्लेशियर टूटने से कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। पांच लोगों में से चार महिला और एक पुरुष लापता हो गए और घटना की सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हुई। 12 लोग ग्लेशियर टूटने से इसकी चपेट में आए, चार महिलाएं और एक पुरुष जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चारधाम यात्रा के साथ ही गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से शहरों में जाम की स्थिति है। आने वाले दिनों में स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए ये भीड़ और ज्यादा होने वाली है। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए कमर्शियल गाड़ियां रात को चलाने का फैसला किया गया, जबकि पर्यटकों के लिए निजी वाहनों को सिर्फ दिन में एंट्री दी जाएगी। इसी के साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर रूट डायवर्ट किया गया। देखिए चुनौती तो बहुत ही बड़ी है, आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है बस बेइंतहा बढ़ती जा रही है और कैपेसिटी तो लिमिटेड है, तो कैपेसिटी तो लिमिटेड है नहीं, किंतु फिर उसे परेशानी होती है ना लोगों को, भाई जितना भीड़ ज़्यादा होगी तो फिर रास्तों में, सड़कों में, पार्किंग में, आगे दर्शन में, हर जगह फिर उसमें कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने में तो प्रॉब्लम तो होती है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट अपनी ओर से मैनेज कर सकें। और देखिए 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं और हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट तक बर्फ जम गई है। भारी बर्फबारी की तस्वीरें हेमकुंड साहिब की हैं, जहां पर सेना के जवान रास्ता खोलने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ जवान हेमकुंड साहिब दरबार के बाहर अरदास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चार तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि यात्रा की तैयारियों पर कितनी मुसीबत है और किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि यात्रा प्रभावित ना हो। हेमकुंड साहिब में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, कपाट खुलने की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं, 10 फीट तक बर्फ अभी भी हेमकुंड साहिब में जमी हुई है और भारी बर्फबारी की जो तस्वीरें आप हेमकुंड की देख रहे हैं, यहां पर सेना के जवान रास्ता खोलने में लगे हुए हैं। बीस मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, मगर देखिए यहाँ अभी भी कितनी बर्फ जमी है। हेमकुंड साहिब में पिछले चार दिनों से बर्फबारी जारी है, इस वजह से यहाँ करीब 10 फीट तक बर्फ जम चुकी है। सेना के जवान हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ को साफ करने में जुट गए हैं। खून जमा देने वाली ठंड में भी काम युद्ध स्तर पर जारी है। मगर अभी तक घांगरिया से 3 किलोमीटर आगे तक ही पैदल मार्ग से बर्फ हट पाई है, जबकि करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते से बर्फ और हटाई जानी है। इसके साथ ही हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के पास जमी बर्फ को भी हटाया जाना है। हेमकुंड साहिब में अभी भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है, पूरे क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हेमकुंड सरोवर का पानी अभी भी जमा हुआ है। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी और इसीलिए ये स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।